यहाँ तक हमने कर लिया है कि वाईबस की इंफॉर्मेशन हमें चाहिए, तो हमने वाईबस यहाँ पे कैलकुलेट करी और वाईबस के कंपोनेंट्स का हम आगे यूज़ करेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं कि वोल्टेजेस फाइंड आउट करनी है हमें। तो सबसे पहले अगर हम V2 को निकालना चाहते हैं, V2 की पहली इटरेशन करना चाहते हैं, ठीक है, तो V2 की पहली इटरेशन का जो फॉर्मूला होगा यहाँ पे आ जाएगा आपके पास y i 22 ब्रैकेट के अंदर p2 माइनस jq2 डिवाइडेड बाय v2 की जो इनिशियल वैल्यू है उसका कंजुगेट माइनस, अभी यहाँ पे देखो फॉर्मूले पे गिवन है सम, ठीक है, फॉर्मूले में क्या गिवन है, सम ऑफ वाई आई के वी के, तो कुछ ऐसा गिवन है आपको सम k इज इक्वल टू वन टू एन, नंबर ऑफ बसेस तीन है यहाँ पे, k नॉट इक्वल टू i के बराबर नहीं हो सकता है वाई आई के वी के, ठीक है, तो इसको दोबारा से लिख लेते हैं y टू टू v2 माइनस j q2 v2 जीरो स्टार माइनस सम, ठीक है, सबसे पहले k इज इक्वल टू वन, जब k इज इक्वल टू वन है और i की वैल्यू कितनी है टू, तो पहली आएगा आपके पास i टू k इज वन, तो y टू वन v1 और दूसरा क्या आएगा आपके पास y के आई के बराबर नहीं हो सकता यानी कि के टू नहीं हो सकता, तो वाई आई आई हो गया इस बार टू और के हो गया यहाँ पे थ्री, वाई टू थ्री वी थ्री, ठीक है, और ये जो वी थ्री है इसकी भी जीरोथ इटरेशन पे जो वैल्यू है वो आप यहाँ पे पुट करोगे। ठीक है, ये जीरोथ इटरेशन वाली वैल्यू का क्या मतलब है अभी बता देता हूँ, वी वन जीरो जो स्लैक बस पे आपको वोल्टेज दी है यानी कि ये वाली, ठीक है, ये है आपकी वी वन जीरो, इसी तरीके से ये है आपकी वी टू जीरो और ये है आपकी वी थ्री जीरो, ठीक है, तो वोल्टेजेस बहुत सिंपल गिवन है 1.05 प्लस जे जीरो, इनको भी आप पोलर में लिख सकते हो डायरेक्टली, ठीक है, पोलर में क्या आ जाएगी 1.05 एंगल जीरो वी टू जीरो 1.00 प्लस जे जीरो वन एंगल जीरो और वी थ्री जीरो वन एंगल जीरो, ठीक है, अब क्या करना है हमें सिर्फ इन वैल्यूज को पुट करना है और आंसर्स फाइंड आउट करने हैं, तो वी टू वन फर्स्ट इटरेशन में वी टू की वैल्यू क्या होगी, सबसे पहले वन डिवाइडेड बाय वाई टू टू, वाई टू टू y22 आपने यहाँ पे निकाल रखा है, ये है आपका y22, हम सब कुछ पोलर में लेके चल रहे हैं उससे हमें सॉल्व करने में इजी रहेगा, 58.13 एंगल माइनस 64.63.4, तो ये हो गया आपका y22, अब ब्रैकेट आएगा P2 माइनस जे क्यू टू, पी टू और Q2 आपने यहाँ पे फाइंड आउट किए थे सबसे पहले प्रॉब्लम में, P2 था आपका माइनस 2.556 और Q2 था माइनस 1.102, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं माइनस 2.556 माइनस जे क्यू टू है और जो Q2 की वैल्यू है वो भी माइनस में है, तो यहाँ आ जाएगा प्लस J 1.102 डिवाइड में आपके पास आ जाएगा यहाँ पे V20 यानी कि 1 एंगल 0 इसका कंजुगेट और यहाँ पे आएगा आपके पास माइनस, सबसे पहले Y21, Y21 क्या है आपका ये 22.36 एंगल 116.6 ये मल्टीप्लाई होगा आपका V1 के साथ यानी कि 1.05 एंगल 0 के साथ
y23 का मतलब यह है y21, y22 और यह है y23। सो 35.77 एंगल 116.6, ये मल्टीप्लाई होगा आपका v3 से। v3 की वैल्यू गिवन है 1 एंगल 0। इसको हम सॉल्व कर लेंगे और हमारे पास v21 जो आएगा उसके लिए फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये आप सॉल्व करते रहना अपने कैलकुलेटर्स पे। मैं यहाँ पे डायरेक्टली आंसर लिख रहा हूँ, ठीक है। v2 की पहली इटरेशन में जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.98305 एंगल -1.8 डिग्रीज, ठीक है। और इसी तरीके से हम v3 के लिए भी सॉल्व कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे v3 के लिए फॉर्मूला लिख देता हूँ कि v3 1 की वैल्यू क्या होगी। v3 1 की हम डायरेक्टली वैल्यू निकाल सकते हैं, दैट विल बी 1.0011 एंगल -2.06 डिग्रीज, ठीक है। तो यहाँ पे हमने v21 और v31 के लिए वैल्यूज निकाल ली। जैसे v21 आया आपका 0.98305 एंगल -1.8 डिग्रीज, इसी तरीके से v3 भी आया। अब ये जो आंसर्स हैं ये बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है, ठीक है। दीज आर नॉट एक्यूरेट अप टू फर्स्ट इटरेशन, तो हमें करनी पड़ेगी इटरेशन 2। यानी कि हम v2 और v3 की वैल्यू दोबारा से कैलकुलेट करेंगे। तो v2 को मैं दोबारा से सॉल्व कर रहा हूँ और आपको शो कर रहा हूँ कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो v2 की सेकेंड इटरेशन हम कर रहे हैं, तो जो फॉर्मूला है y22, अब यहाँ पे p2 माइनस jq2 एज इट इज़ आएगा। यहाँ पे चेंज आएगा, देखो पहले फॉर्मूले में आपने लिखा था v2 0, अब आप लिखोगे v2 1 स्टार, क्योंकि हम सेकेंड इटरेशन कर रहे हैं तो हमें पहली इटरेशन वाली वैल्यू यहाँ डालनी है। माइनस अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला y21v1, क्योंकि v1 स्लैक बस का मैग्नीट्यूड है वो चेंज नहीं होगा, लेकिन आपके पास कहाँ चेंज आएगा, एक और v3 की वैल्यू पर, ठीक है। तो y23 v3 फर्स्ट इटरेशन में जो वैल्यू आई है, ओके। तो इस तरीके से आपको v2 को कैलकुलेट करना है। v2 की सेकंड इटरेशन में जो वैल्यू आएगी, दोबारा से हम यहाँ पे वही सब वैल्यूज पुट करेंगे। जैसे y22 की वैल्यू थी 58.13 एंगल 63.4, p2 माइनस jq2 सेम रहने वाला है, ठीक है। तो p2 माइनस jq2 दैट इज -2.556 प्लस j 1.102, इसको डिवाइड करेंगे v21। अब ये जो v21 है ये यहाँ पे चेंज होगा, तो 0.983, आप 3 यूनिट तक इसको ले सकते हो, डेसिमल प्लेसेस 3 तक, और इसका कंजुगेट माइनस होगा यहाँ पे y21 23.36 एंगल 116.6, ये मल्टीप्लाई होगा v1 से, v1 एज इट इज रहेगा 1.05 एंगल 0 डिग्री, और y23 35.77 एंगल 116.6 डिग्रीज, ये मल्टीप्लाई होगा आपका v3 जो नया वाला ये आया है, ठीक है, 1.0011 एंगल -2.06 डिग्रीज। फिर आप इसको कंप्लीट को सॉल्व करोगे तो आपके पास v22 की यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, और v22 की वैल्यू क्या आएगी आपके पास 0.9826
65 एंगल माइनस 3.048 डिग्रीज। ठीक है, ये पर यूनिट में आंसर्स हैं सारे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो पहली इटरेशन है और दूसरी इटरेशन है उसमें किस किस तरीके से वैल्यूज चेंज हुई है। ठीक है, ये चीज समझ में आई? किसी को समझ में नहीं आई हो तो हम एक बार दोबारा से देख सकते हैं इसको। बेझिझक आप बताओ। अभिषेक, महेश, अमित, हम इटरेशन टू और इटरेशन वन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आंसर्स एक्यूरेट नहीं आए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें फर्स्ट इटरेशन करनी पड़ेगी। फर्स्ट इटरेशन में हमें सारी बस पे जितनी बसेस गिवन है उस पे फर्स्ट इटरेशन वाली वैल्यूज कैलकुलेट करनी है, जैसे V21 और V31। उसके बाद इस V21 और V31 को हमें कहाँ करना है, आगे यूज़ करना है। ठीक है, तो V22 हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे V31 का यूज़ होगा। ऐसी जब आप V32 निकालोगे तो V32 का जो फॉर्मूला होगा वो होगा Y33 एंगल P3 माइनस JQ3 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आएगा आपके पास V31। तो V31 जो आपने यहाँ पे निकाला है वो यहाँ पे यूज़ हो रहा है। ठीक है, माइनस आपके पास आएगा आगे V31 के लिए हमने फॉर्मूला अगर हम लिखें, ठीक है, तो Y31 I की वैल्यू है 3, तो Y31 Y31 V1 है ना, Y31 V1 और माइनस Y32, क्योंकि Y32 होगा Y32 V21। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि ये जो V31 कैलकुलेट किया था वो V22 को निकालने में मदद कर रहा है, और जो हमने V21 कैलकुलेट किया था वो हमारा किस में हेल्प करेगा, V32 को। तो V32 मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिख रहा हूँ कि इसका आंसर क्या आएगा। V32 की जो एग्जैक्ट वैल्यू आफ्टर सेकंड इटरेशन हमारे पास आएगी वो आएगी 1.00099 एंगल माइनस 2.68 डिग्रीज। ठीक है, आप देख सकते हो कि यहाँ पे दोनों आंसर्स में थोड़ा थोड़ा आपको अंतर मिलेगा, जैसे कि एंगल्स में बहुत ज़्यादा अंतर है। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन हमें बिल्कुल एग्जैक्ट करनी पड़ती है, क्योंकि अभी तो ये आपको पर यूनिट में वैल्यूज़ लग रही है, लेकिन जब आप इसको कन्वर्ट करोगे इनकी एक्चुअल वैल्यूज़ में तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाएगा बस की वोल्टेज पर। तो ये हमारा यहाँ पे फर्स्ट इस प्रॉब्लम में जो फर्स्ट टास्क था वो यहाँ पे हमने कंप्लीट किया है। ठीक है, इसके नोट्स मैं गूगल क्लासरूम पे अभी पुट कर दूंगा। इस प्रॉब्लम को आप खुद से सॉल्व करो, और यहाँ तक जो भी मैंने आज बताया है, ठीक है, V22 और V32 ये वैल्यूज़ आप कैलकुलेट करके देखो। ठीक है, ये आंसर्स आपके ऐसे आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। नेक्स्ट क्लास जो कल की क्लास होगी उसमें हम इसी प्रॉब्लम के जो सेकेंड प्रॉब्लम है कि फाइंड स्लैक बस रियल एंड रिएक्टिव पावर, इसको कैलकुलेट करने वाले हैं। पर उससे पहले आपको इस प्रॉब्लम के बेसिक्स जो है वो समझ में आ जाने चाहिए। जैसे कि ये जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम में सबसे पहले हमने क्या किया, हमने कैलकुलेट किया कि भाई जो भी वैल्यूज हमें गिवन है मेगावाट में या MVR में, उनको हमने कन्वर्ट किया पर यूनिट्स में। देन पर यूनिट में कन्वर्ट करने के बाद हमने निकाला कि किसी भी बस पे नेट इजेक्टेड पावर कैसे निकाली जाती है।